डियर स्टूडेंट्स, एफएससी प्री मेडिकल करने वाले स्टूडेंट्स की प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस लिस्ट में एमबीबीएस और बीडीएस सबसे टॉप पे होते हैं और इन दोनों प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बनते हैं। और जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं ले पाते तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन हासिल किया जाए जिसे कम्प्लीट करने के बाद वो डॉक्टर बन सकें। अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड लगाना खासा चार्मिंग होता है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि किन डिग्री प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद उनके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा। स्टूडेंट्स की इस दिलचस्पी को देखते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करना स्टार्ट कर दिए जिन डिग्रीज़ के टाइटल में डॉक्टर का वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, मेडिकल इमेजिंग डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज, डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी और डॉक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह। इन प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन 5 ईयर थी और इनसे स्टूडेंट्स को ये गुमान होता था कि वो इन 5 ईयर डिग्रीज को कम्प्लीट करने के बाद डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लिया करते थे तो पता चलता था कि ये सिंपल 4 ईयर BS प्रोग्राम है और 5th ईयर में कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज, सब्जेक्ट्स और इंटर्नशिप्स वगैरह करवाते हैं। इनमें से ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अप्रूव्ड भी नहीं थे और कुछ साल स्टूडेंट्स के साथ ये धोखा होता रहा। फिर 2018 में हायर एजुकेशन कमीशन ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ को इन डिग्री प्रोग्राम्स के टाइटल के साथ डॉक्टर का वर्ड यूज़ करने से मना कर दिया गया। जिसके बाद सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर की तरफ से 5 ईयर डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स यानी DND के प्रोग्राम को 4 ईयर BS ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसमें नेसेसरी चेंजेस किए और इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड हटा दिया गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इन प्रोग्राम्स को 5 ईयर से 4 ईयर में कन्वर्ट कर दिया और कुछ ने अभी भी इनको 5 ईयर की ड्यूरेशन का प्रोग्राम ही रखा है, लेकिन अब डॉक्टर का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। अगर इसमें थोड़ी सी लॉजिक इस्तेमाल की जाए तो एक स्टूडेंट जो 5 ईयर MBBS कंप्लीट करता है और उसके बाद 3 या 4 साल की ऑप्टोमेट्री, साइकियाट्री, रेडियोलॉजी, न्यूट्रिशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह में स्पेशलाइजेशन करता है तो उसकी आधी ज़िंदगी इसमें निकल जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि स्टूडेंट सिर्फ 5 ईयर की डिग्री कंप्लीट करके उनके बराबर हो जाएं और एक आसान सा शॉर्टकट यूज़ करके बगैर कंपटीशन के थोड़े मेरिट के साथ इजीली डॉक्टर बन जाएं? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन डिग्री प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं उनमें शामिल हैं MBBS, BDS और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन यानी DVM। या अगर आप PhD कंप्लीट कर लें तो वो एक अलग बात है, उससे भी आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको BS के बाद MS या MPhil और फिर PhD करनी होती है। MBBS, BDS और DVM के बाद आप कंफर्म डॉक्टर बनते हो और इनकी काउंसिल्स भी मौजूद हैं। MBBS और BDS की पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है और DVM की पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल है। इसके बाद अगर बात करें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की, तो 2015 तक फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन 2015 में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया और फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के साथ डॉक्टर का प्रीफिक्स यूज़ करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद इसके ऊपर काफ़ी बहस की गई और ये केस कोर्ट में चला गया और इसके बाद दोबारा इसकी कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई। लेकिन अभी भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं और पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के नाम से इसकी काउंसिल भी मौजूद है, इसलिए इनको डॉक्टर कहने की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन ये अपना क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते, मेडिकल स्टोर बेशक खोल लें। और इसी तरह डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की काउंसिल भी पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन के नाम से बन चुकी है और ये भी 5 ईयर प्रोग्राम है। फार्मासिस्ट की तरह फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर का प्रीफिक्स लगा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब हायर एजुकेशन कमीशन ने बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के टाइटल के साथ डॉक्टर का वर्ड रिमूव करने का कहा तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी को नहीं छेड़ा गया। लिहाजा इन 5 डिग्री प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने से आप डॉक्टर बन सकते हैं और अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड लगा सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इन डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा बाकियों की कोई वैल्यू नहीं है या उन्हें कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड नहीं लगता तो ये प्रोग्राम किसी काम के नहीं। तो बाकी डिग्री प्रोग्राम्स भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं और हर डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक डिफरेंट रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। आप अपने डिग्री प्रोग्राम की सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और माइंडसेट को देखते हुए करें।